मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाकर गेम खेलना, सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रॉल करना आजकल आम हो चुका है। लोग वॉशरूम में फोन ले जाते हैं, चाहे युवा है चाहे बुजुर्ग है, सबके हाथ में स्मार्टफोन आजकल देखने को मिलते हैं। लोग सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। एक ऐसी घटना सामने आई, वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि एक मोबाइल फोन में अचानक आग लग जाती है। अचानक आग इस कारण लग जाती है कि एक लड़का मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाकर गेम खेलता है, अपनी गेम का आनंद लेता है, उसका फोन इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उसके फोन में अचानक से आग लग जाती है। शुक्र है कि उस लड़के को याद आ गया और उसने अपना फोन जो है फिर जमीन पर अचानक से फेंक दिया। जमीन पर फेंकने से एक बड़ा हादसा हो टल गया। ये घटना पटियाला की बताई जा रही है, जहां पर एक लड़का मजे से स्मार्टफोन को चार्जिंग में लगाकर गेम खेल रहा था, गेम का आनंद ले रहा था, लेकिन अचानक मोबाइल इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उसमें अचानक से आग लग जाती है। आग की लपटें मोबाइल फोन से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि कैसे मोबाइल फोन ऐसे लग रहा था किसी ने नीचे कुछ रख रखा है, उसके कारण से आग लगाई है, लेकिन वो आग एक मोबाइल फोन को इतना ज्यादा गर्म करने की वजह से मोबाइल फोन में आग लगी। अब अगर आप लोग फोन चार्जिंग में लगाकर गेम खेलते हैं या फिर कुछ और करते हैं, कृपया इसको ना कीजिए। अगर आप फोन चार्जिंग में लगाकर गेम खेलते हैं तो आपका फोन बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, आपके कान के पर्दे भी पड़ सकते हैं, आपकी जान से नुकसान आ सकता है। और जब आप सोते हैं तो प्लीज अपने फोन को साइड में रखकर ना सोइए, अपने फोन को आपके साइड में जो टेबल लगा है वहां पर जाकर सोइए और मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाकर कृपया ना यूज कीजिए। ये घटना पटियाला की बताई जा रही है, जहां पर एक शख्स अपनी पबजी का आनंद ले रहा था, मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगा रखा था और वो आराम से गेम का मजा ले रहा था, लेकिन उसे क्या पता था अचानक उसका फोन इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि उससे आग की लपटें निकलना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा हादसा उससे होते टल गया। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाकर ना यूज करें। की नाम है जी थोड़ा? प्रवीण कुमार जी। वैसे की घटना हुई सी, जेड़ा मोबाइल फट जांदा है, अग लग जाती है, सोशल मीडिया ते वीडियो वायरल हो रही है, की गलबात हुई सी तुहाडे नाल हुई सी? हाँ जी, मेरे नाल हुई सी। मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी, मैं भानीगढ़ का रहने वाला जी। मेरा फोन जो ये ब्लास्ट होया जी, चार्जिंग लाया सी, मैं गेम खेल रहा सी फोन में चार्ज ला के जी। ठीक है, खेल रहे सी? पबजी खेल रहा सी मैं जी। पबजी गेम खेलता है, अचानक ही मेरे फोन के चिंगारे निकल लग गए जी। मैं फोन अपने फोन में उपर लै गया, चवर जाकर मैं छिटता छिटा जा, मैंने फोन के ब्लास्ट हो गया जी। मैं मेरे ब्रदर मैंने बुलाया, मैंने कि मैंने पानी लै गया जल्दी, फोन ब्लास्ट हो गया। तो मेरे ब्रदर ने जब पानी लै गया, मैं अग बुझाई तो देखा जी मैंने फोन ब्लास्ट हो चुका सी। घटना कदों की है? एक घटना परसों की है, मैं परसों में वीडियो बना के मैंने पाई सी। हाँ जी, मैं बस यही कहना चाहता जी, फोन चार्ज ला के फोन ना चला जी, ठीक है, ना गेम खेडी जाए। मैं अपने यार दोस्त वड्डा हादसा हो सकता छत वल नूं भजदे। हाँ जी, वड्डा हादसा हो सकता जी, जानी नुकसान भी हो सकता सी, घर दे विच हुंदा ही समान नुकसान भी हो सकता सी। ठीक, बहुत बहुत चलो बच गई मैं, तो मैं हुण भी मन च डर बैठा जी, मैं बचा लिया मैं अपने आप नूं बस जी। हाँ जी, मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाकर गेम खेलना, सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रॉल करना आजकल आम हो चुका है। लोग वॉशरूम में फोन ले जाते हैं, चाहे युवा है चाहे बुजुर्ग है, सबके हाथ में स्मार्टफोन आजकल देखने को मिलते हैं। लोग सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। एक ऐसी घटना सामने आई, वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि एक मोबाइल फोन में अचानक आग लग जाती है। अचानक आग इस कारण लग जाती है कि एक लड़का मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाकर गेम खेलता है, अपनी गेम का आनंद लेता है, उसका फोन इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उसके फोन में अचानक से आग लग जाती है। शुक्र है कि उस लड़के को याद आ गया और उसने अपना फोन जो है फिर जमीन पर अचानक से फेंक दिया। जमीन पर फेंकने से एक बड़ा हादसा हो टल गया। ये घटना पटियाला की बताई जा रही है, जहां पर एक लड़का मजे से स्मार्टफोन को चार्जिंग में लगाकर गेम खेल रहा था, गेम का आनंद ले रहा था, लेकिन अचानक मोबाइल इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उसमें अचानक से आग लग जाती है। आग की लपटें मोबाइल फोन से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि कैसे मोबाइल फोन ऐसे लग रहा था किसी ने नीचे कुछ रख रखा है, उसके कारण से आग लगाई है, लेकिन वो आग एक मोबाइल फोन को इतना ज्यादा गर्म करने की वजह से मोबाइल फोन में आग लगी। अब अगर आप लोग फोन चार्जिंग में लगाकर गेम खेलते हैं या फिर कुछ और करते हैं, कृपया इसको ना कीजिए। अगर आप फोन चार्जिंग में लगाकर गेम खेलते हैं तो आपका फोन बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, आपके कान के पर्दे भी पड़ सकते हैं, आपकी जान आ सकता है। और जब आप सोते हैं तो प्लीज अपने फोन को साइड में रखकर ना सोइए, अपने फोन को या आपके साइड में जो टेबल लगा है वहां पर जाकर सोइए और मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाकर कृपया ना यूज कीजिए। ये घटना पटियाला की बताई जा रही है, जहां पर एक शख्स अपनी पबजी का आनंद ले रहा था, मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगा रखा था और वो आराम से गेम का मजा ले रहा था, लेकिन उसे क्या पता था अचानक उसका फोन इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि उससे आग की लपटें निकलना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा हादसा उससे टल गया। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि मोबाइल फोन चार्जिंग में लगाकर ना यूज करें।
ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਜੋ ਜੀ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਬਜੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਗਾਰੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਚਵਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛਿੱਟਾ ਜਾ ਛਿੱਟਾ ਜਾ ਮੈਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਫੋਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫੋਨ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚਲਾਉਣੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ, ਹਾਂ ਜੀ।